अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आपकी टॉप स्टोरीज हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अब आगे स्ट्रैटेजी है, चाहे वो सियासी तौर पे हो या लीगल हिसाब से, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सियासत अक्सर अपनी अपनी होती है जी, लेकिन रियासत सबकी साझी होती है। इसके बाद बात करेंगे IMF स्टाफ लेवल मुआहदा हो तो गया है, लेकिन उसके असरात क्या होंगे। इसके अलावा जो बाकी हुकूमत के इस वक्त साथ बैठे हैं, उनकी पॉलिसीज में कितनी एक तरह की यूनिफॉर्मिटी है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में एक्स की बंदिश ताहाल बरकरार है, लेकिन एक बात का एतराफ PTA ने कर दिया है कि उन्होंने एक्स जरूर बंद किया है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन प्रोग्राम के आगाज में एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जी आप। अच्छी ये हौसला अफजा तस्वीर है, जिसमें इस मुल्क के वजीर आजम चारों वज़रा आला के साथ खड़े हैं, और यहाँ पर ये SIFC के इजलास से पहले की ये तस्वीर है। और सियासत अपनी जगह होती है, सख्त तुंदो तुर्श बयानात अपनी जगह होते हैं, लेकिन जहां पर कोऑर्डिनेशन की बात है, आगे बढ़ने की बात है, वहां इस तरह के जो विजुअल्स हैं इतनी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर, ये बहुत ज्यादा हौसला अफजा होते हैं। और बाय द वे, जो सख्त जबान दोनों तरफ से इस्तेमाल की है गई, अगर हम देखें तो PMLN की जानिब से भी साथ ना बैठने की बात होती है, PMLN की जानिब से भी जो मैंडेट के हवाले से सवाल उठते हैं, KPK की, जो PTI की जानिब से भी ये बात की जाती है, लेकिन बहरहाल जब ये बैठते हैं तो इस तरह के जो मनाजिर हैं वो एक फॉर्चुनेट बात है कि हम ये देख सकते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल तहरीक इंसाफ के हवाले से भी हैं, अपोजिशन लीडर कौन होगा, एक ये भी एक नई टेक्निकल बहस सामने उभर के आ रही है, KP की असेंबली का इजलास बुलवा क्यों नहीं रहे हैं, उसमें क्या कदगन है, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मरवत साहब। सबसे पहले अगर हम आगाज करें, आज फैसल करीम कुंडी साहब ने शिकायत की है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असेंबली का इजलास होने नहीं दे रही। क्विकली अगर हम सुनवा दें, उसके बाद पूछेंगे कि ये इसके पीछे क्या सियासी इनकी स्ट्रैटेजी है, जरा सुनिए कुंडी साहब ने क्या कहा। पूरे पाकिस्तान में जितने भी रिजर्व सीटें हैं उनके ओथ टेकिंग हो चुके हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के। स्पीकर सूबा असेंबली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपोजिशन की जमातें जो हैं वो अदालत से भी रुजू कर रही हैं, हम इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करेंगे ताकि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाया जाए। इजलास बुला क्यों नहीं रहे आप लोग खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, रिजर्व सीटों के ऊपर तो बाकी तमाम मुल्क के अंदर अदालती फैसले के नतीजे में हल्फ हो गया है, तो अभी इधर आप इंतजार कर रहे हैं किसी अदालत का फैसला तो नहीं आया है। ठीक है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी पेशावर हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। ठीक है, उन्होंने पिटीशन दायर की है, उसमें 4 आयाम की हमें मोहलत दी गई है कि आप अपनी रिपोर्ट जमा करें। गुजारिश ये है कि कोई फैसला नहीं है अब फिल वक्त, सेनेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन को हमने चैलेंज किया, बल्कि हमने रिजर्व सीट के उस फैसले को चैलेंज किया जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन ने हमें रिजर्व सीट देने से इनकार किया। 3 पॉइंट्स थे, लेकिन जो चीज़ फैसले में लगता है कि एड्रेस नहीं हुई है, क्योंकि ताहाल कोई रिटन फैसला हमें मौसूल नहीं हुआ है पेशावर हाई कोर्ट का जिसके जरिए उन्होंने हमारी रिट पिटीशन खारिज की, जिसके जरिए हमने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया था। एक आस्पेक्ट है वो ये है कि ये तो समझ आती है या समझा जा सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं इनको नहीं देनी है, ठीक है ये। लेकिन इसकी समझ नहीं आती है कि ये हमारी सीटें नून पीपल पार्टी JUI को किस तरह देनी है, क्योंकि कोई शिक कानून में नहीं है और ना कोई प्रेसिडेंट है, ना कोई कस्टम है, ना कोई यूसेज है। तो लिहाजा ये सीटें अगर हमारी नहीं बनती हैं किसी भी सूरत में, जो कि हमारी बनती है, लेकिन ये कतयन किसी भी सूरत में, क्योंकि लोगों ने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है, और इन वोटों से अददी अक्सरियत की बुनियाद पे हमारी रिजर्व सीटें बनती थी, यानी इनडायरेक्टली ये रिजर्व सीटों का वोट भी PTI के लिए पड़ा था। लेकिन अब वो कहते हैं कि जो वोट PTI के लिए पड़ा है और जिनसे ये रिजर्व सीटें बन रही है वो नून को दे। तो अभी सूरत हाल ये है कि जब तक कि ये फैसला, ये डिबेट सेटल नहीं होगी, कानूनी तौर पे आप लोग तय नहीं करेंगे, तो ये असेंबली का इजलास नहीं होगा, ये ओथ नहीं होगा। असेंबली का इजलास तो होगा, असेंबली तो अगर अपोजिशन कह रही है तो बुला लें। नहीं, बुलाएंगे, आएगा, लेकिन हमारा मौकफ ये है,
अगर किसी अदालत का आर्डर होता और अदालत ये समझती कि ये इन हालात में इनका हक बनता है कि इनको अलग दिया जाए, लेकिन अगर इन हालात में हम ये समझते हैं कि चूंकि ये किसी सूरत में बहसीत रिजर्व मेंबर हल्फ नहीं ले सकते हैं और चूंकि ऑलरेडी हमने इसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो लिहाजा ऐसी सूरत में और जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है वो तो आइन से मावरा है, गवर्नर के पास क्या इख्तियार है। हाँ, सो यही मेरा सवाल है ना, जो आपकी ये सेटल नहीं हुई डिबेट, इन वक्त लगेगा ना, अदालत में जाएंगे वहाँ को टाइम लगेगा, तब तक क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास नहीं होगा, मुल्तवी होता रहेगा जब तक ये रिजर्व सीटों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा? मुल्तवी क्यों होता रहेगा, इजलास होगा, ठीक है, लेकिन ये ओथ नहीं उठाएंगे केपी में, ओथ रिजर्व सीटों का नहीं होगा जब तक कि आपका ख्याल है ये डिबेट सेटल नहीं होगी, बाकी जगह तो उठा लिया जी, बिल्कुल बालफाज दीगर यही, जब तक ये मैटर सेटल नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशनली किसी कोर्ट ऑफ लॉ से, हम अपने तहीं इनको हल्फ नहीं दे सकते। ठीक, अच्छा एक और जो टेक्निकल बहस है और इसका आगाज चूंकि वजीर कानून ने किया है, मैं सुनवाना चाहती हूँ, और वो ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है क्या वो सुनी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से तो अपेरेंटली होगा, लेकिन क्या जो नॉमिनेट किया है तहरीक इंसाफ और सुनी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब साहब को, क्या वो हो सकते हैं? अभी बड़ा बारीक नुकता है, इसको ताड़ेर साहब ने उठाया है और उसको जरा इस पर हम जवाब भी लेते हैं, लेकिन ताड़ेर साहब ने क्या कहा है और क्यों उमर अयूब साहब नहीं बन सकते लीडर ऑफ अपोजिशन, जरा ये सुनिए। कौमी असेंबली है, उसमें जो अपोजिशन लीडर है उसका ताल्लुक किस जमात से होगा? ये एक डिफिकल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सा अभी फिर ये सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो स्पीकर ने रूलिंग दे दी है, डिसाइड करना है कि अपोजिशन लीडर किसको बनना है, उस कुछ लीगल प्रोविजंस की तशरीह जरूर होनी है बशमूर जो असेंबली के रूल्स और प्रोसीजर्स हैं। अगर मैं दुरुस्त नहीं हूं तो मुझे दुरुस्त कराइएगा। मेरे नजर में उमर अयूब साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की थी और शायद अभी तक नहीं की। अच्छा, ये क्या मामला है, क्या लीगल कॉम्प्लेक्सिटी है? उमर अयूब साहब ने चूंकि ज्वाइन नहीं की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो नहीं बन सकते, ये कोई मसला तो नहीं खड़ा होने लगा आगे आपके लिए कानूनी तौर पर? मिनिस्टर ऑफ लॉ वो चूंकि खुद एक वकील है और वकील हमेशा नुकते पकड़ते हैं, तो उनका ये कहना कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की है, लेकिन जो अपोजिशन लीडर के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसका किसी एक पार्टी से होना ज़रूरी नहीं है, ये कॉन्ग्लोमरेशन हो सकती है, यानी इकट्ठा हो सकता है सियासी पार्टियों का, और चूंकि फिल वक्त उमर अयूब खान की हैसियत नेशनल असम्बली में एक आज़ाद मेम्बर नेशनल असम्बली की है और यही पोजिशन हमारे चेयरमैन गौर साहब की है, बिरसे गौर साहब की, तो लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो प्लस इंडिपेंडेंस मिल के जो भी नाम रिकमेंड करते हैं, आपने देखा पीडीएम बताते खुद एक पार्टी तो नहीं थी, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बैठे थे तो उन्होंने मजमूई तौर पर तमाम पार्टियों ने मिल के शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया था, तो लिहाजा अपोजिशन में बैठी हुई पार्टियाँ जिसमें मेंगल साहब हैं, जिसमें चकजई साहब हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, जिसमें वादतुल मुस्लिमीन हैं, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, इन सब ने मजमूई तौर पर इत्तेफाक राय से उमर अयूब साहब का नाम दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह ये हमारी अददी तादाद जो हैं घटा रहे हैं नेशनल असम्बली में, आए दिन रिकाउंटिंग के नाम पर इलेक्शन कमीशन से मिली भगत करके ये हमारी सीटें खा रहे हैं, तो लगता यह है कि ये शायद अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी नशिश नहीं देना चाहते हैं, उनकी शायद ख्वाहिश ये है कि अपोजिशन भी इनको मिले, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इनको मिले, और जो जिन सीटों पे हम बैठे हैं अभी उसका ऑपरेशन जारी है, सर्जरी हो रही है, मजीद रिकाउंट हो रहे हैं, बिलखसूस पंजाब के और फैसलाबाद रीजन के कुछ सूबाई हल्कों के। कितने हल्के आपको लग रहे हैं और जो 20 हल्के हमसे ये लेंगे उस तरफ चले जाएंगे? सो अभी जो आपने उमर अयूब साहब ने और गौहर खान साहब ने इसलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि आपके इंटरा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं, उसको क्या उसका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा, उसका भी क्या स्टेटस है, क्या वो मान लिया इलेक्शन कमीशन ने इंटरा पार्टी इलेक्शन जो आपका, उसको तस्लीम? इलेक्शन कमीशन तो कभी नहीं मानेगी, जबकि परवेज खटक साहब की पार्टी जो है उसको तो मान लिया, उनके इलेक्शन मान लिए, लेकिन हमारे इलेक्शन ये तीसरा इलेक्शन है जो हम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ ताखीर इसीलिए ताकि सेनेट की जो हमारी नशिस्तें हैं
उसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर ये इलेक्शन भी न लड़ सकें, और इसी कन्फ्यूजन का सहारा लेते हुए हमें सेनेट के इलेक्शन में जितना नुकसान हो सकता है ये करवाना चाहते हैं। और ये सारे लोग जो हैं पूरे निज़ाम की इकाइयाँ ये एक दूसरे की सहूलतकारी कर रही है। सो अभी होगा क्या, क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ कि जो सीनियर हाउस काउंसिल और पीटीआई ने अगर जम होना है जब आपके इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे, तो उसमें भी कानूनी तौर पे जो 62/63 की शिक के हवाले से कहते हैं कि चूंकि जिसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लिया वो तहरीक इंसाफ का आपको मिल भी जाता है, बल्ला मिल भी जाता है, तो वो इश्तराक नहीं हो सकता है, ये भी टेक्निकली एक आगे देखिए। अगर पहली बात तो ये है, माजी में तो मिसालें हैं, इश्तराक हुए भी हैं, जम भी हुए हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, शाहराम तरक़ी साहब हमारे एक आज़ाद हमारे साथ पास हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से, हमारे फार्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं, उनके ख़ानदान की एक पार्टी थी। जब इन्होंने पीटीआई में शमूलियत की तो उस वक्त तो इनके वालिद साहब सेनेट में थे, ये खुद प्रोविंशियल असम्बली में थे, तो और इनके चचा जो थे वो मेंबर नेशनल असम्बली थे, तो उन सब ने अपनी पार्टी को जम कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो जो हैं इसके बाद तमाम असम्बली और सेनेट में जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बर जो हैं काउंट होते रहे। हमें कोई मसला इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई समझते हैं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शनाख्त के साथ नेशनल असम्बली में बैठने में भी हमें कोई अमर माने नहीं है और ना हमें कोई तकलीफ है। सो अभी सूरत हाल क्या है, बिकॉज इमरान खान साहब से जो भी जेल में मिल के आता है वो मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है, जैसे लगता है कि एक ही मुख्तलिफ शख्स से बात करके सब लोग आ रहे हैं, बाहर आके वर्जन और होता है, इंटरप्रिटेशन और होती है, गुफ्तगू और होती है, ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है ये आपकी पार्टी के लिए मुश्किलात नहीं? बिकॉज आप जाते हैं कहीं बयान देते हैं, वो कॉन्ट्रोवर्सी बनती है, फिर दो दिन उस पर बहस होती है, फिर आपको उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है, फिर पता चलता है नहीं नहीं असल तो पॉलिसी ये है, ये जो कन्फ्यूजन की एक फिजा है। ये सवाल जो है बहुत अभी सर्कुलेट हो रहा है, जो अभी आप फरमा रही हैं कि जी आप आते हैं तीन लोग और मुख्तलिफ बातें करते हैं, कोई मिसाल आपको मिलेगी नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर बाद में आपको वजाहत देनी पड़ी उसके ऊपर, हम जेल से तो बाहर नहीं निकले थे ना, वो तो मैंने एक स्टूडियो में एक लाइव प्रोग्राम में मैंने जवाब दिया था, उसका खान साहब से निकलना या हम तीनों का, हम जब भी खान साहब से जेल से बाहर निकल के आते हैं हम इकट्ठे होते हैं और हमेशा हम एक साथ ही जाके मीडिया के हम कलाम होते हैं, एक जैसी हमारी ताईदी बयान होते हैं, किसी भी मौके पर हमने एक दूसरे को कंट्रडिक्ट नहीं किया। जो मेरा बयान था वो एक टीवी एंकर के प्रोग्राम में मैंने एक राय का इजहार किया, ये राय थी मेरी, वो पार्टी का कोई बयानिया नहीं था, और मैंने एक और उससे फिर जो है ये कहा गया कि ये हमारे दरमियान इख्तलाफ है। सर, क्योंकि उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब का एक बयान है, उसमें उन्होंने कहा कि अब वकला पीछे चले जाएंगे, जो सियासी क़यादत है वो आगे आएगी, ये फैसला हुआ तहरीक इंसाफ के अंदर, इस वजह से भी ये जो सवाल है ये उठता है कि क्या वकला और सियासी क़यादत के अंदर हमाहंगी नहीं थी, इस वजह से ये कहना पड़ा? देखिए हमाहंगी सियासी जो वकला हैं वो अब सारे मेंबर तकरीबन कमो बेश मेंबर पार्लियामेंट हैं, और चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो खुद एक वकील हैं, मैं वकील हूँ, अमित खान साहब वकील हैं पार्टी की, और ये हम कोई खुशी से नहीं आए हैं इन नशिस्तों पे, एक वक्त था जब पार्टी के लिए बोलने वाला कोई था ही नहीं। आप यकीन करें मुझे याद है खान साहब के साथ गुफ्तगू करते थे तो हम मशवरे देते थे कि जी पंजाब में फलां को तर्जमान मुकर्र करते हैं, सिंध में फलां को करते हैं, तो जिससे बात होती थी हर एक पहलू तय किया करता था। हम तो बड़े मजबूरी के आलम में आए उस वक्त जब कोई था नहीं, जब सियासी क़यादत जो है वो अंडरग्राउंड थी, लेकिन इन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब सियासी क़यादत इलेक्शन के वक्त निकल आई तो इस प्रोसेस में हमने एक दूसरे के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, बड़ी हमारे दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप। वकला कोई ऐसे नहीं है कि वकला कोई अपना उनका एजेंडा है, खान के वकला हैं, पार्टी के वकला हैं, पार्टी को आड़े और कड़े वक्त में सर्व किया, तो लिहाजा और सियासतदान जो हैं अब ये तफरीक करना कि वकील अलहदा है, वकील ही तो बुनियादी तौर पर सियासतदान होते हैं, और अली मोहम्मद खान भाई ने अगर ये बात कही है तो मेरा ख्याल है कि सियाको सबाक ये नहीं होगा, ठीक है, सियाको सबाक कुछ और होगा।
चलें सही, इसी बात पे बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट का यहाँ पे इख्तिताम होता है। चलिए, टेक्निकल कानूनी सवाल थे, उस हवाले से मरवत साहब ने जवाब दिए। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे, IMF का नया मुआहदा है, लेकिन उसके बाद जो बड़ी कड़ी शरायत है उनको पूरा भी करना है। मिफ्ता इस्माइल साहब प्रोग्राम के दूसरे से हमारे साथ होंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक जी। जो पाकिस्तान की तारीख में अगर कॉम्प्लिकेटेड तरीन कुछ IMF प्रोग्राम्स थे, उनमें से ये एक था जिसका जो तीसरा मरहले का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। 1.1 अरब डॉलर की नई किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसको ओवरसी किया 3 मुख्तलिफ हुकूमतों ने, एक साबका इलेक्टेड हुकूमत, फिर केयर टेकर आई, और अब जो नई हुकूमत है उसके बेसिस पे आगे जाके इस मुआहदे की जो अगले लेवल है उस पर हम पहुंच गए हैं। लेकिन इसके बाद जो सख्त फैसले करने हैं, जो पहले सियासी मसले तो की वजह से नहीं किए जाते रहे, उनको होल्ड बैक किया गया। कभी इत्तेहादियों की मजबूरियां होती थी, कभी अपने ही वोटर, अपने ही जो पार्टी के अंदर लोगों के मफादात होते हैं उस वजह से ये पॉलिसियां नहीं अपनाई जाती। मसलन प्राइवेटाइजेशन की बात करें, अगर ट्रेडर्स पे टैक्स लगाने की बात करें, अब ये सब कुछ करना होगा। अब ना टाइम है, ना स्पेस है, और फ्रैंकली ना ही अब इजाजत है कि इन फैसलों को आगे मजीद पोस्टपोन किया जाए। तो ये होगा कैसे और इसके मजबूरात क्या होंगे और खासतौर पे इफेक्ट्स क्या होंगे इस वक्त आम आदमी की जिंदगी के ऊपर, जरा थोड़ी इसमें रियलिस्टिक बात करेंगे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर खजाना। लेकिन उससे पहले मैं जरा ये आपको ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट दिखाना चाहते हैं। लगता है ऐसे कि किसी अपोजिशन के शख्स ने ये ट्वीट की हो। ख्वाजा आसिफ साहब, जिनकी गवर्नमेंट जो है पिछले इलेक्शन से पहले कोई 18 माह रही थी, अब वो ये एक चीज ट्वीट करके दिखा रहे हैं जिसमें टैक्स का फर्क वो दिखा रहे हैं सैलरीड क्लास के, एक्सपोर्टर्स का और रिटेलर्स का, और बाकी जो बिजनेस और अदर रिटेलर्स हैं उसमें वो दिखाना है। आपको बेसिकली दिखा रहे हैं कि जो सैलरीड क्लास है यानी मिडिल क्लास है उसके ऊपर जो टैक्स लगाए हैं उनका हजम देखिए, और जो रिटेलर्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसका हजम देखिए। और उनको वो कह रहे हैं कि ये क्या इंसाफी है, ये दहशतगर्द हैं, इनके इनके दहशतगर्दी के अदालतों में इनके मुकदमे चलने चाहिए। लग रहा है ऐसे कोई अपोजिशन में बैठे हैं, आप हुकूमत में हैं, अब आप ये फैसले करें और हमें फैसले करके बताएं कि आपने कैसे इन मौशी दहशतगर्दों के से ये जो टैक्स है ये लेकर हमें दिखाना है। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। आगाज करते हैं कि जाहिर सी बात है अब ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चाहे इसके अंदर एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप के साथ ये फ्यूजन है, लेकिन फिर भी इसकी कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक वोटर है, और उस वोटर को मद्देनजर रख के पहले माजी में सख्त फैसले नहीं किए जाते रहे। मतलब फॉर एग्जांपल अभी नवाज शरीफ साहब ने अपने एक इजलास में बैठ के कहा कि बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, गैस की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन IMF तो कहता है सब कुछ करना है। सो अब शहबाज साहब IMF की सुनेंगे या नवाज शरीफ साहब की सुनेंगे, या क्या चॉइस है इस वक्त? कोई चॉइस नहीं है हमारी, अब सिर्फ IMF की ही बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि IMF ही आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। अगर हम IMF से प्रोग्राम इस वक्त नहीं करते अगला 4 साल का या 3 साल का, तो पाकिस्तान की माशी हम तबाही की तरफ लेके जाएंगे। तो वो IMF की बात तो सुननी पड़ेगी, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। आप मार्जिन्स पे वो कर सकते हैं, और जो इस वक्त IMF बातें कर रहा है वो तो शायद हमें खुद भी कर लेनी चाहिए। और मैं तो ख्वाजा आसिफ साहब की एक्चुअली जो है वो ट्वीट की मैंने देखा नहीं है ट्वीट, लेकिन जो आपने बताया मैं तारीफ करता हूँ कि वो एक बात कर रहे हैं, ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि यार अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो सबने हिस्सा डालना है। आप तो जिनकी गर्दन पतली है, जिन पे हाथ आसानी से पड़ सकता है, उन पे तो हुकूमत ने डाल लिया है, लेकिन जो जो धरने कर सकते हैं या शटर डाउन कर सकते हैं या दीगर चीजें कर सकते हैं उनके ऊपर भी हाथ डालना जरूरी है। और देखिए हमारी अब दो किस्म के मुश्किल फैसले होते हैं। एक मुश्किल फैसला ये होता है कि जब आप कीमतें बढ़ाते हैं, कोई सियासी हुकूमत नहीं चाहती कि कीमतें बढ़ाएं, लेकिन बहरहाल वो जो मुश्किल है वो आवाम के ऊपर आती है जब आप पेट्रोल, बिजली, गैस, टैक्स वगैरह, शराय सूद ये महंगी कर देते हैं। दूसरा मुश्किल फैसला होता है कि जिसके अंदर आप हुकूमत के अंदर चेंजेस करते हैं, आप NFC अवार्ड चेंज करते हैं या आप निचकारी करते हैं, जिसके अंदर आप यूनियंस के ऊपर से यूनियंस को टेक ऑन करते हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये हुकूमत के अपने ऊपर मुश्किल होती है। हमारी हुकूमत हमेशा आवाम की मुश्किल वाले तो फैसले कर लेती थी, अपने हुकूमत वाले फैसले मुश्किल वाले फैसले नहीं कर रही थी, अब उसको ये करने होंगे। ये जो आपने दोनों बातें की ना, एक एक करके इन पे बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो ये सामने टेबल मौजूद है और इस पे बड़ी अच्छी स्टोरी शहबाज राणा साहब ने पिछले साल की थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। रिटेलर्स पे जी 54 अरब के करीब वो टैक्स दे रहे हैं, और जो सैलरीड क्लास है वो 264 अरब के करीब उनका टैक्स मिल रहा है। मतलब तनासुब देखें कितना फर्क है इसके ऊपर। कोशिश की गई थी लास्ट टाइम, मुझे याद है आपने कोशिश की थी वो टैक्स, फिर वो आपको वापस करना पड़ा,
अब कैसे लग जाएगा और उस वक्त क्यों वापस करना पड़ा, और अगर यही अब स्टेप उन्होंने करना पड़ेगा जो इवेंचुअली, तो अब सियासी तौर पे कोई रुकावट नहीं आएगी जो उस वक्त आई थी? देखिए, सियासी तौर पे रुकावट थी उस वक्त, हमने प्रिपेयर कर ली थी, एक गलती मेरी भी थी कि हमने 3,000 रुपए की बात की थी, लेकिन FBI ने गलती से वो 6,000 कर लिया, लेकिन वो एक दिन में करेक्ट हो गई थी बात, उससे कंट्रोवर्सी हो गई, हमने कह दिया था कि नहीं ये 3,000 है। हुआ ये था कि जाहिर है कि प्रेशर बढ़ा था, उसके अंदर कुछ और भी, अब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कुछ और भी लोग जो थे मुस्लिम लीग के अंदर जिन्होंने उसका बहुत बड़ा हवा बनाया, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम भी एक्टिव हो गए, और उसके बाद फिर शहबाज साहब ने भी मुझे कहा, फिर मैंने कहा कि चलो इसको 2 महीने डिले कर देता हूँ, उसको फिर उसको दूसरी तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मुझे बिजली की मिनिस्ट्री भी कह रही थी कि बहुत सारा बिजली का बिल भी बढ़ना है, तो एक साथ इतने हम वो नहीं करते, और मैंने IMF से बात कर ली थी कि हमें 2 महीने बाद डिले करके कर लूंगा, तो वो कोई मतलब वो अंडरस्टैंडिंग थी कि 1 अक्टूबर से हो जाएगा, और इनफैक्ट अगर मुझे नहीं निकाला जाता तो 1 अक्टूबर से तो वो मैं कर ही रहा था। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पॉलिटिकल प्रेशर आया था मेरे ऊपर, आपने खुद वो ट्वीट वगैरह देखी है कि वो ओपनली ट्वीट करी गई थी ताकि पॉलिटिकल कैपिटल बचा लें और मेरे ऊपर डाल दिया जाए। लेकिन देखें मारिया, हमारा टैक्स टू GDP रेशो है 10%, 10% हम कौमी आमदन का टैक्स जमा करते हैं, हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लेते हैं और सैलरीड क्लास के ऊपर लेते हैं, दो लोगों के ऊपर हम टैक्स लेते हैं। अब जब हम मजीद टैक्स लगाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो वो अनकम्पेरेटिव हो जाते हैं वीज़ा भी इंडिया, वीज़ा भी दीगर ममालिक, तो अब वहाँ पे भी टैक्स नहीं लगा सकते। अब हमने क्या किया कि प्रॉपर्टी को छोड़ दिया है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है GDP का प्रॉपर्टी, और पाकिस्तान में अमीर तरीन लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में अपने पैसे रखते हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। उसके अंदर आप डिक्लेयर्ड वेल्थ भी रख सकते हैं, अनडिक्लेयर्ड भी वेल्थ रख सकते हैं, क्योंकि वो रेट अपनी DC रेट मुख्तलिफ होता है, FBI रेट मुख्तलिफ होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद रियल इस्टेट को हम लोग सेक्टर चेक टैक्स नहीं करते, वफाक भी नहीं करती, और ये तो सूबह भी नहीं करता, और प्रॉपर्टी सूबे के पास है वो नहीं करता। फिर हम एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ देते हैं, 20% से ज़्यादा वो हमारी GDP का हिस्सा है, 20% से ज़्यादा हमारा रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम इतने सारे हिस्सों को छोड़ देंगे कि जो पाकिस्तान के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, तो फिर मुल्क कैसे आगे चले? सो मिफ्ता साहब, इस फर्क है चूंकि आप थे उस वक्त, कोशिश हुई, पर डार साहब आए, उनका एक पॉलिटिकल फेस भी है। अब औरंगजेब साहब जो है आपके नजदीक सियासी तौर पे कर लेंगे वो, क्योंकि ये सख्त फैसला है, ये PMLN के अपने कोर वोटर को जाके हिट करता है खासतौर पर, ये लगता है, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? देखिए मारिया, PMLN ने पिछले 16 महीने में, हम अक्टूबर में वहाँ ले, सितंबर में वहाँ इकोनॉमी को ले आए थे कि जहाँ पे अब स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई थी, हमने डिफॉल्ट बचा लिया था, और लेकिन PMF ने फिर वही थोड़ी सी सियासत करी और फैसले मौखर किए, क्या फ़ायदा मिला? इन्फ्लेशन जो है वो 15 से बढ़ के 35 हो गया था फरवरी के अंदर, 6 महीने के अंदर, तो कोई इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता। हमने देख लिया है कि जो असल ज़रूरी फैसले आप डिले करते हैं तो मुल्क पीछे से पीछे रहता है। ये बांग्लादेश अगर हमसे आगे निकला हुआ है, श्रीलंका आगे निकला हुआ है, हिंदुस्तान आगे निकला, तो इनमें कोई सरकाब के पर थोड़ी लगे हुए हैं, ये कोई हमसे कोई ज़्यादा समझदार तो नहीं है ना। हमने सिर्फ अपनी गलतियाँ की हुई हैं अपने मुल्क की, अगर हम गवर्नेंस ठीक कर दें तो बाकी लोग इसको आगे ले जाएंगे, तो ये फैसले हमने करना ज़रूरी है। ठीक बात है, और अब ये इवेंचुअली जैसे मरता क्या ना करता सिचुएशन में आके अभी करेंगे ही ना ये फैसले, तो अगर पहले कर लेते तो शायद इधर हम ना। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपने भी जिक्र किया और मेरे पास भी, मैं इस हवाले से सवाल पूछना चाहिए थी, प्राइवेटाइजेशन। औरंगजेब साहब ने कहा है कि जून तक PIA की प्राइवेटाइजेशन वो मुकम्मल कर देना चाहते हैं और फिर इवेंचुअली बाकी जो प्रोजेक्ट्स वो भी होंगे, लेकिन ये भी एक सियासी फैसला है। माजी में हुकूमतों ने कोशिश की है, इस मरतबा भी जो गवर्नमेंट है उसमें पीपल्स पार्टी के वोट से PM बने हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी की एक स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये भी आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेट होगा या स्मूथ आउट हो जाएगा ये सब कुछ, इस पे पीपल्स पार्टी तकरीर करेगी सिर्फ, लेकिन हो जाएगी प्राइवेटाइजेशन, उसके ऊपर कोई बड़ा इशू क्रिएट नहीं करेंगे? जितना पीपल्स पार्टी वाले बेचारे नहीं बोलते इस अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मैनिफेस्टो का जिक्र नहीं करते, इससे ज्यादा जो है वो जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर एंकरान जो है वो इसका जिक्र करते हैं कि यार पीपल्स पार्टी ने तो मना किया था। बहुत सारी चीजें मैनिफेस्टो में लिखी होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन फिर वो हर चीज तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, समझौता करते हैं। पीपल्स पार्टी भी तो अकेली हुकूमत में नहीं आई है ना, इट्स अ माइनर पार्टनर, यू नो, और इनफैक्ट हुकूमत भी नहीं ली है,
तो थोड़ी सी बातचीत होगी। पीआईए के जो है मेरे ख्याल से 100-100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इसका कोई हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इस बात को शायद मान जाएगी, मेरा ये ख्याल है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की जब निचकारी होगी तो शायद उसका उनका मौकफ मुख्तलिफ हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पीआईए के मौकफ को शायद मान जाएंगे। दूसरा ये कि अगेन वही जो आपने फरमाया, मरता क्या ना करता, इनके पास चॉइस क्या है? मतलब पीआईए अगर हर साल 100-100 अरब रुपया नुकसान करती रहेगी आगे जाके, तो आप क्या हर साल ये नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे? और मतलब इन इन पैसों से आप कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कितने लोगों को सेहत दे सकते हैं, ये तो ज्यादती है मतलब। तो ये चीजें करना आप जरूरी है। अच्छा, गैस और बिजली, बिकॉज ऑब्वियसली ये वो चीज है जो आम आदमी को जाकर हिट करनी है इस वक्त डायरेक्टली, और उसके अंदर भी सब्सटैंशियली आपको इजाफा करना ही पड़ेगा। सो इसमें रूम क्या है गवर्नमेंट के लिए? लेकिन चूंकि अब नई इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो शुरू के 1-1.5 साल में फैसले कर लें, उसके बाद शायद थोड़ा रिलीफ देना पड़े। ये जो अभी तो कोई गुंजाइश कहीं से नहीं है ना, तो आपकी प्रोजेक्शन क्या है अगले 1-1.5-2 साल में? किस कमर कस लें हम, लेकिन किस हद तक कमर कसे, थोड़ा ये बताए ना हमें। देखिए, गैस और बिजली की अलग अलग बात कर लेते हैं। गैस के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ी सी पिछली हुकूमत ने, कैटेगर हुकूमत ने कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंसी दिखाई है, और ये कुछ गलतियां हुई हैं, पॉलिसी मिस्टेक्स हुई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और गैस के अंदर जो एवरेज प्राइस ओगरा कहती है वो 1350 रुपये होनी चाहिए पर MMBTU, लेकिन आप जो अमीर तरीन घरेलू सारिफ हैं उसको आप 4000 रुपये की दे रहे हैं, इंडस्ट्री को आप 3000 रुपए की दे रहे हैं तकरीबन, अगर आप LNG और इसका मिक्स कर लें, पंजाब की इंडस्ट्री को आप दे ही नहीं रहे। तो बहुत सारे आपने, और आप तकरीबन 70 अरब रुपया आप डोमेस्टिक सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं, और वो 70 अरब रुपए आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ले रहे हैं। तो ये अब मेरे ख्याल से इतनी इंडस्ट्री जो है सब्सिडी देने के मुतामिल नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ी सी आपको नजरसानी पड़नी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त गैस की मजीद प्राइस बढ़ने की मुझे कोई जरूरत नजर नहीं आ रही। अब अगले साल की जब इनके ओगरा की वो आएगी, वो और बात है कि अब SSGC ने जो है वो कहा कि भाई हमने, क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई थी क्योंकि हमने गैस की रेट बढ़ाए थे, तो हम अब और सब्सिडी देनी पड़ेगी उनसे, तो हम और मजीद बढ़ा लें, या हमने गलती कर दी और हमने घरों में इतनी गैस नहीं दी तो लोग नीचे वाले ब्रैकेट में रह गए, ऊपर ब्रैकेट में नहीं गए, हमसे गलती हो गई, खसारा हो गया, चलो हम किसी और के ऊपर ये बोझ डाल दें, या मतलब ये ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हम, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और अगेन इसकी भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि हुकूमत इस बिजनेस से निकल जाए, ये दोनों गैस कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दे, और उसके बाद गैस इंपोर्ट जो है LNG इंपोर्ट की इजाजत दे दे। आज जिस रेट पे पाकिस्तानी हुकूमत इंडस्ट्री को बेचती है लोकल गैस, वो भी LNG से महंगी है, और जो LNG बेचती है वो भी दुनिया की LNG से 50% महंगी है। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। बिजली की जहाँ तक सूरत हाल है, मैंने सुना है कि ये 7 रुपया जो बिजली का एक्स्ट्रा मांग रहे हैं बिजली वाले, वो इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने सही ईंधन नहीं चलाए, सही फ्यूल नहीं चलाए, तो ये थोड़ी सी गलतियां हैं। अब ये 7 रुपया तो आप नहीं डाल सकते लोगों के ऊपर, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो ये बात हुई है कि 500 अरब रुपए तक इन्होंने लिमिट करना है इस साल के अंदर फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट, और वो उधर तक जा रहे हैं, तो कोई काफी बिजली की कीमत बढ़ गई है। और मसला ये हुआ है साथ साथ मारिया कि सोलर पैनल्स बहुत सस्ते हो गए, तो आप अगर जाएं चले जाएं F7 और F8 में अच्छे इलाके कराची और लाहौर के, तो आप घरों की छत पे लग रहे हैं, वो अच्छे कस्टमर आपके जा चुके हैं सोलर के। ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया मुफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो वो इकदामात जो करने ही करने हैं, चाहे वो उसमें सियासी तौर पे आपको हिट लेनी पड़े या ना लेनी पड़े, वो उसको मजीद नहीं रोका जा सकता, उनको मजीद होल्ड पे नहीं डाला जा सकता। ऐसे वाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे, पाकिस्तान के अंदर ट्विटर 34वां दिन है बंद है, लेकिन बहरहाल मान लिया है गवर्नमेंट ने कि ट्विटर बंद किया गया है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो क्यूरियस केस है पाकिस्तान के अंदर ट्विटर यानी एक्स की बंदिश का। तकरीबन 34 दिन हो गए हैं, सलीमुल्ला कलीमुल्ला की तरह तमाम जो हकूमती अथॉरिटीज हैं वो एक दूसरे की तरफ इस बॉल को थ्रो करती जा रही थी, लेकिन फाइनली अब ये पता चल गया है कि ट्विटर जो है वो बंद क्यों हुआ है, किसकी मंशा से हुआ है और किसके ऑर्डर के तहत हुआ है। लेकिन ये मामला, इसका आगाज तब हुआ जब मुर्तजा सोलंकी साहब से बार बार पूछते रहे सहाफी कि जनाब ये जो ट्विटर डिश है इससे मुतालिक गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो कि उस पर केयर टेकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो क्या बताते थे, जरा सुनी। एक्स को किसने एक्स किया है, बेहतर होगा कि आप
وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور چیئرمین پی ٹی اے سے رابطہ. یعنی انفارمیشن منسٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پوچھ کے اداروں سے اور رابطہ کر کے ان اتھارٹیز سے ہمیں بتاتے کہ کس نے بند کیا ہے. بہرحال انہوں نے یہ بال جو ہے ان کی کورٹ میں پھینک دی. اس کے بعد آئی الیکٹڈ گورنمنٹ. اتا تارڈ صاحب سے جب پہلی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تو پہلے انکاری ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ٹویٹر تو بند ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کچھ انٹرویوز میں آگے جا کر یہ مانا کہ بین ہے, اس کو وی پی این سے چلانا پڑ رہا ہے, اور یہ کہ کوئی آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں تھا اتا تارڈ صاحب کی اس وقت کی نالج کے مطابق. ذرا یہ سنیں. دیکھیے ٹویٹر چل رہا ہے, ٹویٹر پہ ٹویٹس بھی چل رہے ہیں. کوئی بندش کا کوئی نوٹیفیکیشن ہے تو آپ میرے علم میں لے آئیں, اس پہ پھر بات چیت کر لیتے ہیں. ہم جب حکومت میں آئے ہیں تو آلریڈی ٹویٹر بین تھا, آفیشیل اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ آبویسلی سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کے سگنل, اس کی فریکوینسی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہی, اور وی پی این کے ذریعے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل یہ بات درست ہے. پھر بات آئی انٹیریئر منسٹری پہ. ان سے کسی نے پوچھا محسن نقوی صاحب سے جی ٹویٹر کیوں بند ہے, تو انہوں نے امریکہ میں جو ٹک ٹاک کی بندش کے ساتھ اس کو جوڑ کر کہا کہ یہ اگر وہاں پہ بند ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر, تو پاکستان میں بھی قوانین پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. اگر ٹک ٹاک بند ہوا ہے امریکہ میں, کتنی ساری چیزوں کے بعد انہوں نے چارج شیٹ لگا کے بند کیا ہے, اگر وہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمیں بھی اپنے لاز کو ریویو کرنا پڑے گا اور ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہرحال جی, پھر عمر سیف صاحب جو کہ اس وقت آئی ٹی منسٹری سنبھالے ہوئے تھے, جس کے بارے میں مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ بھائی کیوں ہے ٹویٹر بند, آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. خیر اپنے ٹینیور میں تو انہوں نے کبھی ٹویٹ نہیں اس حوالے سے کی تھی, آج کی انہوں نے ٹویٹ. انہوں نے کہا جی کوئی بھی ویب سائٹ بند ہو, کوئی بھی اگر چیز بین ہو, تو انٹیریئر منسٹری جو ہے نا اس کا کام ہوتا ہے, اور یہ امپلیمنٹ پی ٹی اے کرتا ہے, اور منسٹری آف آئی ٹی اور ٹیلی کام سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بھی یہ الزام اپنی منسٹری سے ہٹا دیا کہ ان کے کہنے پہ یہ ہوا. بہرحال جی, جو پاکستان کے اندر کچھ ہم اگر کہیں پرسسٹنٹ لوگ ہیں, یا اگر تھوڑا ہم ڈیڈ کا لفظ بھی استعمال کر لیں, وہ بار بار عدالتوں میں جاتے رہے, پوچھتے رہے گورنمنٹ سے کہ بھائی کون بن کر رہا ہے ایکس. تو فائنلی ان کی اس کاوش اور محنت کے بعد 20 مارچ کو سندھ ہائی کورٹ میں ایک جواب جمع ہوتا ہے, اور اس میں یہ غلط فہمی دور کر دی جاتی ہے کہ یہ ٹویٹر کس کی وجہ سے بند ہوا ہے. وزارت داخلہ ایک نوٹیفیکیشن پیش کرتا ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ ٹویٹر کی بندش کا یہ نوٹیفیکیشن 17 فروری کو آیا تھا. یاد رہے سندھ ہائی کورٹ کا اس دوران ایک فیصلہ بھی ہے جس میں اس بندش کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن اس کو سنی انسنی کر دیا گیا ہے. موئز جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کیس کو فالو بھی کر رہے ہیں, اس کیس میں بڑی اہم جو پیش رفت ہیں اس حوالے سے ہمیں آگاہ بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ موئز صاحب. چلے ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ٹویٹر کس نے بند کیا. بتائیے جو کیس جس نوعیت سے چل رہا ہے, کیا یہ سندھ ہائی کورٹ نے دفعہ فیصلہ دے دیا نہیں ہے کہ اس کی بندش کو ختم کیا جائے؟ اس کے بعد ابھی جو قانونی کاروائی ہو رہی ہے, اس کو ذرا آسان لوگوں میں جو لیگل ٹیکنیکلٹیز نہیں سمجھتے, ابھی کہاں تک پہنچا ہے کیس, اور کب تک متوقع طور پہ اس پہ کوئی فیصلہ مزید آنے کا امکان ہے؟ جی شکریہ ماریہ, آپ نے موقع دیا. میں وکیل ہوں چند صحافیوں کا اور اکیڈیمکس کا جنہوں نے مل کر یہ پٹیشن کی ہے ٹویٹر کے حوالے سے. یہ پٹیشن دائر ہوئی 22 فروری کو, جس دن حکم امتناعی ملا جس نے واضح کیا کہ اگر ٹویٹر بند ہے اور قانونی اس کا کوئی جواز نہیں ہے تو اس کو کھولا جائے. جس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ جبران ناصر کی ایک چلتی ہوئی پٹیشن کے ساتھ لگا دیا گیا, جو کہ 8 فروری کو اسی عدالت نے ایک بار پہلے حکم کیا تھا کہ آپ انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے کیونکہ انٹرنیٹ بند کر دیا تھا تو اس کی کنٹیمپٹ کی کاروائی چل رہی تھی وہاں پر. پھر جب اگلی ڈیٹ آئی تو انہوں نے اس کنٹیمپٹ کی کاروائی میں جواب دیا کہ جو عمومی انٹرنیٹ کی بندش تھی اس حوالے سے کہ اس دن دہشت گردی کے خطرات تھے, لیکن ہمارے کیس کا جواب نہیں دیا. اور ہمارے کیس کا جواب انہوں نے بادی النظر یہ دینے کی کوشش کی کہ جیسے ہم لوگ سب غلط بیانی کر رہے ہیں اور ٹویٹر کی بندش کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور ٹویٹر تو چل رہا ہے. بہرحال ہمارا وہ حکم امتناعی واپس سے ایکسٹینڈ ہوا, اور ہمارے کیس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں اگر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کنٹیمپٹ کی کاروائی بھی بھک دیں گے. اس کے بعد جب اگلی ڈیٹ آئی تو میں یہ تصحیح کر دوں, منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. منسٹری آف انٹیریئر کو ریپرزینٹ کرنے والے جو وکیل صاحب ہیں وہ تو ابھی بھی بضد تھے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. جو پی ٹی اے کی پوزیشن تھی جو وہ کہتے آ رہے تھے ان کے لیگل ایڈوائزر کیس میں پیش ہوتے ہوئے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں کرنا آتا ہی نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے. ان کے جو نئے وکیل صاحب ہائر ہوئے انہوں نے کچھ کہے بغیر اپنی رپلائی فائل کر دی, جس رپلائی میں ایک 17 فروری کا خط ہے جو ایف آئی اے لکھتی ہے پی ٹی اے کو کہ آپ کو پتا ہے نا ہم نے جو وجوہات بتائی ہیں اس بنیاد پہ آپ ٹویٹر بند کر دیں. بس اتنا ہے, ایک لائن کا خط ہے, اور اس کے اندر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان احکامات کو دیکھتے ہوئے ٹویٹر بند کر دیا ہے. اب یعنی کہ اول تو یہ اعتراف ہوا
के पीटीए ने बंद किया है, जो कि अभी तक उसकी कंप्लीट उलट बात कर रही थी पीटीए। दोयम ये इतराफ हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से खत आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अभी तक ला इल्मी का इजहार कर रही थी। और दो तीन चीजें यहाँ पे बहुत क्लियर करना और भी जरूरी है, वो ये कि देखें कानून सेक्शन 37 पीका का बहुत वाजे है। सेक्शन 37 के पीका के इस पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट आने से पहले कानूनी कोई जवाज ही नहीं था इंटरनेट बंद करने का, तो अगर होता था बंद तो वो एक ब्लैंकेट बंदिश पीटीए के कानून के तहत होता था, लेकिन एक्सेस टू वेबसाइट रिस्ट्रिक्शन गैर कानूनी था। जिसके बाद पीका जब आया तो सेक्शन 37 के तहत वो ऑनलाइन कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के मजाज हुए। तो जब वो करने लगे तो इस हवाले से अवामी वर्कर्स पार्टी और दीगर लोगों ने चैलेंज किया उनकी इस बंदिश को कि ये बहुत ब्लैंकेट है, इसमें कोई इसमें आप ओवर ये ओवर रीच है रेगुलेटर की। तो अथर मिनल्ला साहब की इस्लामाबाद की अदालत ने एक बहुत वाज़ेह हुक्म जारी किया जिसने पहले तो ये क्लियर किया कि जो आर्टिकल 19 की आपकी और मेरी आज़ादी इजहार है वो उसके ऊपर बंदिश एक आम कानून नहीं ला सकता। तो जो भी ये ऑनलाइन कंटेंट को रोकने के तरीके होंगे वो आर्टिकल 19 के जाहिर ताबे होंगे, और उनको ये रीज़न करना होगा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की आपको इजाज़त है, यानी कि इस्लाम के ऑनर को कोई चीज़ अगर ख़राब कर रही हो या रियासत की इंटेग्रिटी को मसला हो या यू नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई खदशात हो, तो उसका एक रीजनड ऑर्डर देना फ़र्ज है, और उसकी जिस नौयत की रेपरेशन की ज़रूरत है या रुकावट की ज़रूरत है उसी नौयत तक आप कर सकते हैं। और तीसरा, ये सब रीजनड नोटिफिकेशन सामने आना ज़रूरी है। अब देखें, एक ख़त इरसाल हो जाना एफआईए की तरफ से पीटीए को, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये कोई जवाज नहीं है। और अगर ये नोटिफिकेशन में भी पीटीए बग़ैर जवाज दिए ये कह देता कि हम फलां वजह से या फलां वजह से बंद कर रहे हैं, तो ये ओपन एंडेड शटडाउन का कोई जवाज नहीं है कानून में। तो ये मुकम्मल एक गैर कानूनी पोजीशन ली है, लेकिन हम शुक्र गुजार हैं कि आखिरकार कोई तो पोजीशन ली है, क्योंकि अभी तक तो वो ये कहते आ रहे थे कि आप सब लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। एक डेट पे तो पीटीए के जो एडवाइजर साहब थे उन्होंने खड़े होकर कोर्ट को अपना फोन दिखाया था कि देखे मेरे पास तो चल रहा है। तो पहले तो वो हम सबको एक मजमुई बेवकूफ दिखाने गैस लाइटिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आप कह रहे हैं आप दीवाने हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप दीवाने हैं। जी बिल्कुल, तो कम से कम अब हमें ये यकीन हो गया है कि हम कम से कम दीवाने नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया अब्दुल मोइज़ जाफरी साहब हम इस